ये कुछ हालत हुई है स्नो स्टॉर्म के बाद। अभी 3-4 दिन पहले स्नो स्टॉर्म आया था एंड यू कैन सी इतनी बर्फ गिरी है, बट मैं तो बाहर का प्लान आएगा, बट फिर भी आप देख सकते हो कि इतनी ज़्यादा है कि मतलब एज़ पर न्यूज़ और मतलब जो लोग पहले से रहे हैं उनके अकॉर्डिंग ये जो स्नो स्टॉर्म है मतलब ऐसा कुछ लास्ट 5 ईयर्स में तो हुआ नहीं है, तो इस पर कुछ ज़्यादा ही स्नोफॉल हुआ है। बाहर रोड्स पर भी यही हालत है, एजेंसी सो हेलो गाइज, दिस यू दीपक कटारिया एंड आई एम बैक विद द न्यू वीडियो। तो बेसिकली आज की जो वीडियो है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव अ गुड न्यूज़। तो गुड न्यूज़ ये है कि भाई मेरा वर्क परमिट आ गया है। वर्क परमिट जो आया है वो है कि मतलब बेसिकली बहुत टाइम लग गया है, 4 months and 9 days। सो जो अप्रोक्सीमेट टाइम होता है उससे भी ज़्यादा टाइम लगा है, अप्रोक्सीमेट टाइम होता है इनका 90 days। बट अभी जो प्रोसेसिंग टाइम चल रहा है बिकॉज ऑफ कोविड, दैट इज़ आई थिंक 114 days और समथिंग। तो थोड़ा टाइम लग गया। तो बेसिकली सबसे पहले मैं बता देता हूँ वर्क परमिट का सिनेरियो क्या होता है, जिन लोगों को नहीं पता है कि अगर मान लो मैं यहाँ स्टडी वीज़ा पे आया हूँ, तो हम जब इंडिया से आते हैं तो हम 1 साल का या 2 साल का कोर्स चूज़ करते हैं। तो आई चूज़ 1 ईयर कोर्स। तो बेसिकली क्या होता है, अगर हम 1 ईयर का कोर्स चूज़ कर रहे हैं तो 1 ईयर कोर्स पे हमें 1 ईयर का वर्क परमिट मिलता है। तो जब मैंने 1 ईयर का कोर्स लिया था, सो मेरा पहले से प्लान था कि मैं 1 साल का कोर्स और लेने वाला हूँ कनाडा जाके। तो मैंने मेरा पहला कोर्स लिया था GVM एंड आफ्टर दैट आई डिड GHM। तो ऐसे करके मेरे 2 साल के 2 कोर्स हो गए थे। तो जब हमारे 2 कोर्स हो जाते हैं तो हमें 2 साल के स्टडी वीज़ा पे 3 साल का वर्क परमिट मिलता है, जो कि अभी मुझे मिला है। एंड द थिंग इज़ दैट बहुत से लोगों के ये क्वेश्चन थे मेरी पहले की वीडियोस में भी, एंड जिसने अभी तक मेरी GBM GHM वाली वीडियोस नहीं देखी वो जाके देख सकते हैं, उसका लिंक यहाँ पे है। एंड द नेक्स्ट इज़ कि बहुत से लोगों के ये क्वेश्चन थे कि अगर हम GBM GHM कर रहे हैं, मतलब इफ़ आर डूइंग ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट फर्स्ट एंड ग्लोबल हॉस्पिटलिटी आफ्टर दैट वन, एंड इफ़ आर डूइंग GHM फर्स्ट और GBM बाद में कर रहे हैं, तो वर्क वीज़ा में कोई दिक्कत आती है क्या, मतलब वर्क परमिट मिल जाता है क्या? क्योंकि बेसिकली होता क्या है कि उसके 1 सेमेस्टर में हमारी पढ़ाई नहीं होती है बिल्कुल भी, एंड इट विल बी कंसिडर एज ए लाइक 3 सेमेस्टर कोर्स, और वी कैन से लाइक 3 सेमेस्टर कोर्स एंड जस्ट 1 कोर्स इन द लास्ट सेमेस्टर। तो सबको ये रहता है कि भाई वो 2 साल की स्टडी कंसिडर होगी या नहीं। तो जस्ट टू लेट यू नो गाइज कि आई गॉट माई वर्क वीज़ा, सो देर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट कि अगर हम GVM ले रहे हैं और GHM कर रहे हैं तो हमारा वर्क वीज़ा आएगा या नहीं। तो देर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट दिस थिंग्स, यू विल गेट योर वर्क वीज़ा। एंड जल्दी मैं वर्क वीज़ा की वीडियो भी अपलोड करने वाला हूँ कि हाउ टू अप्लाई योर वर्क परमिट आफ्टर स्टडी परमिट। सो उसकी वीडियो भी मैं नेक्स्ट, इस वीडियो के बाद आपको नेक्स्ट जल्दी वो वीडियो देखने को मिलेगी, जिसकी जो भी वर्क परमिट अप्लाई करना है फॉर देम आई एम अपलोडिंग अ वीडियो। सो वर्क परमिट का बेसिकली क्या होता है कि हमें 3 साल मिलते हैं, तो उन 3 साल के ड्यूरेशन में हमें क्या करना होता है कि इफ़ यू आर गोइंग टू थिंक अबाउट PR, या ऑब्वियसली PR के लिए सोच रहे हो कोई मतलब तुक वाली बात ही नहीं है इसमें कि हम ऐसे कहते हैं कि इफ़ यू आर गोइंग टू, देर इज़ नथिंग इफ़ या फॉर श्योर वी आर गोइंग फॉर PR। तो बेसिकली क्या होता है कि हम 1 साल का कोई जॉब एक्सपीरियंस लेंगे, जैसे कि जो भी नोक OAB जो भी लेवल की जॉब्स होती हैं उनका 1 साल का जॉब एक्सपीरियंस। आफ्टर दैट वी कैन अप्लाई इन CEC और TR टू PR, एनी टाइप ऑफ पॉलिसीज या फिर जो भी ड्रॉज होते हैं उनमें हम अपनी फाइल अप्लाई कर सकते हैं, एंड देन वी आर एलिजिबल टू फॉर द PR। लाइक वो तो हमें वेट करना पड़ेगा कितना टाइम लगता है, वो लोग हमारी फाइल्स पे वर्क करते हैं। सो ये 3 साल में हमें मतलब PR होने के लिए टाइम मिलता है। और बेसिकली ऐसा भी होता है, मैंने कुछ माइनर केसेस में भी ऐसा देखा है कि कुछ बंदा वर्क परमिट मतलब उनके जो 3 साल जो होते हैं वो पूरे हो जाते हैं, बट इन दैट ड्यूरेशन दे आर नॉट एबल टू गेट PR। तो बेसिकली क्या होता है, वो लोग एक्सटेंड करा देते हैं क्योंकि किसी ना किसी ड्रॉ में उन्होंने फाइल रखी होती है, तो दे हैव समथिंग टू शो कि हमने अभी तक अप्लाई किया हुआ है PR के लिए, अप्लाइड स्टेटस में आप लोग रह सकते हो, यू कैन एक्सटेंड योर वीज़ा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो एंड द वर्क वीज़ा। So thank you guys, thank you for watching this.